दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्री फेस मोटर हैं, 2 हॉर्स पावर के 950 चक्कर हैं। तो ये गियर बॉक्स पे लगा हुआ, इसका मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे, तो वीडियो देखते रहिए। इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, इसको मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे, कनेक्शन भी सिखाएंगे आपको। ये वेंडिंग जला हुआ है और ये सिंगल कोल का सेट है और 1400 RPM है। अच्छे, हमने भी खाली कर लिए, पेपर डाल लिए। इसके स्लॉट 24 हैं, जो इसकी लंबाई है वो 3 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 3 इंच है, 3 इंच। और इसका तार नंबर जो है 22 है, सिंगल कोयल का सेट है। पिच इसका 6 पिच है और टर्न है इसका 82 टर्न है इसका और 82 बंद है। और इसका वज़न जो है 110 ग्राम वज़न है। अभी इसको हम डालेंगे, देखते हैं। ये भी हमने 2 सेट डाल लिए इसके। ये पहला सेट डाले, उसके एक स्लॉट छोड़ के दूसरा सेट डाले। अभी इसके बाद हम तीसरा डालेंगे और ये जो है पहले से हमने ये 2 सेट अभी हमने खड़े कर लिए, तीसरा भी हम बिठाएंगे, तीसरा ये इधर डालेंगे। ये जो 2 कोयल है हमने खड़े कर लिए, वो तीसरा हमने बिठा लिए। बाकी जो कोयल भी डालेंगे उसको हमने बिठाना है, बस आगे भी बिल्कुल आसान है। Thank you.
तो दोस्तों इसका जो कनेक्शन है वो तो काफ़ी इजी है, उस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है, तो कनेक्शन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। पहले जो वीडियो हमने बनाई है इस कनेक्शन के बारे में, 1400 चक्कर वाले मोटर के कनेक्शन के बारे में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, अगर किसी को वो कनेक्शन पर सीखने हैं तो उसे आप जाके देख सकते हैं। तो इस पर हम बात नहीं करेंगे कनेक्शन के बारे में।